ओके तो आज अपन बेटा टेस्ट करेंगे एक तो कार्बोनिल ग्रुप का, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप के अंदर ये मुझे बताओ कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और वैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आता है, ठीक है। तो पहले अपन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को डिस्टिंग्विश करके देखेंगे कि दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा एल्डिहाइड और कौन सा कीटोन है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, आपको एक टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही लिक्विड होते हैं, ठीक है, तो आपको एक टेस्ट ट्यूब में क्या दिया जाएगा, या तो एल्डिहाइड दिया जाएगा या कीटोन दिया जाएगा, और आपको फाइंड करना होगा कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। आपको बताया नहीं जाएगा कि जो आपको टेस्ट ट्यूब में दिया गया लिक्विड है या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं, जैसे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ये हमने एक लिक्विड ले लिया है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है अपने पास में, जो एल्डिहाइड भी हो सकता है कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है, क्योंकि एक बार ये कंफर्म हो गया कि कार्बोनिल ग्रुप है तो हम लोग पहचान पाएंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट करना है। तो आपको ध्यान होगा कार्बोनिल ग्रुप के टेस्ट के लिए आपने 2,4-DNP टेस्ट पढ़ा था, ठीक है। उसमें आपने पढ़ा था 2,4-DNP टेस्ट में कि जब आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर उसमें आप 2,4-DNP ऐड करते हैं, 2,4-DNP क्या होता है, 2,4-dinitrophenylhydrazine, ठीक है। तो 2,4-dinitrophenylhydrazine जो है उसको जब आप इसमें ऐड करेंगे तो इसके साथ में एक PPT बनाएगा जिसका कलर क्या होता है, येलो होता है, ठीक है। और वो जो कंपाउंड बनेगा आपके पास, जैसे अगर मान लीजिए इसके अंदर एल्डिहाइड हुआ या कीटोन हुआ, तो वो एल्डिहाइड इसके साथ में जो कंपाउंड बनाएगा उस, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि एसिड एल्डिहाइड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड एल्डिहाइड 2,4-dinitrophenylhydrazone, वो पीपीटी बनेगा, ठीक है। तो अपन यहां इसका टेस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक तो 2,4-DNP, तो ये अपने पास में 2,4-DNP इस बॉटल के अंदर, ठीक है। इस 2,4-DNP को अपन इसमें फंक्शनल ग्रुप में ऐड करेंगे। तो इसमें जब हम ऐड कर रहे हैं देखो, तो इसमें येलो पीपीटी आना चाहिए, तो आप देख सकते हैं इसमें येलो कलर का पीपीटी आ रहा है, ठीक है। तो येलो पीपीटी आ रहा है, इसको थोड़ा क्लोज ले लेते हैं, साफ दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो जो येलो पीपीटी है ये किसका है, एसिटाल्डिहाइड 2,4-dinitrophenylhydrazone, ठीक है, ये बन गया। तो इसका येलो पीपीटी है। अगर मैं इसकी जगह एसीटोन लेता तो एसीटोन के साथ में भी येलो पीपीटी आता। तो ये कंफर्म नहीं कर रहा कि इसमें एल्डिहाइड है, ये केवल ये कंफर्म कर रहा है कि इसमें कार्बोनिल कंपाउंड है, जो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अब इसको आगे कंफर्म करने के लिए कि ये एल्डिहाइड है कीटोन है, अपन आगे का टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम वापस से टेस्ट ट्यूब लेते हैं और वापस उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले लेते हैं जिसमें हमें ये पता चल चुका है कि इसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। तो यहां मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली है, इसमें मेरे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास एल्डिहाइड है या कीटोन है ये अपन को फाइंड करना है। तो इसका एक टेस्ट होता है, आपको ध्यान होगा एक तो होता है टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट और एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। तो अपन यहां पर अभी इसका फेलिंग टेस्ट करेंगे। तो फेलिंग टेस्ट के अंदर आपको ध्यान होगा अपन दो सॉल्यूशन का मिक्सचर काम में लेते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, ध्यान है आपको, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है, रोशेल सॉल्ट प्लस NaOH, ठीक है। और रोशेल सॉल्ट क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और वो भी NaOH के अंदर आपने डिसॉल्व कर रखा है, उसको फेलिंग सॉल्यूशन बी कहते हैं। तो जब हमें टेस्ट करना है तो हम फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी को पहले मिक्स कर लेंगे आपस में और फिर उस सॉल्यूशन को इसमें ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद अगर ये एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, दूसरे कॉपर का रिडक्शन करेगा, क्योंकि आपके पास जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है उसमें Cu2+ आयन होते हैं, ठीक है। और वो Cu2+ आयन जब Cu+1 आयन में कन्वर्ट होंगे या क्यूपरस में कन्वर्ट होंगे तो उसके बनने की वजह से सॉल्यूशन का कलर रेड हो जाएगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये रेड नहीं होता है, ये किस टेम्परेचर पर रेड होता है, हाई टेम्परेचर पर, तो इसको हीट करोगे तो रेड कलर में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये टेस्ट केवल एल्डिहाइड देता है, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। तो अपने आप डिफरेंशिएट हो जाएगा, अगर इसमें मैं फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी ऐड करके इसको हीट कर रहा हूं और अगर ये रेड कलर में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब उसमें एल्डिहाइड है, और अगर रेड में कन्वर्ट नहीं होता है तो वो कीटोन होगा। तो दोनों का कंफर्मेटरी टेस्ट यही है, ठीक है। तो अब अपन एक काम करते हैं, पहले फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी को मिक्स करते हैं।
ठीक है। तो हमने एक टेस्ट ट्यूब में फैलिंग सॉल्यूशन ए लिया और दूसरे में फैलिंग सॉल्यूशन बी। ये अपने पास फैलिंग सॉल्यूशन ए है और फैलिंग सॉल्यूशन ए जो है ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो आपको पता हो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपको दिख रहा है जो फैलिंग सॉल्यूशन ए है। अब इसमें हम लोग फैलिंग सॉल्यूशन बी को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमने इसमें देखा है, ये फैलिंग सॉल्यूशन बी है आपके पास में, ठीक है। इस फैलिंग सॉल्यूशन बी को इसमें ऐड करते हैं अपन इक्वल क्वांटिटी में। फैलिंग सॉल्यूशन बी को मैंने इसमें ऐड कर दिया तो डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन गया आपके पास। अब ये जो सॉल्यूशन है इसको हमें इस फंक्शनल ग्रुप में ऐड करना है, इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से, ठीक है। और फिर इसे आप ऐड करेंगे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब जब आप इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड कर रहे हैं तो जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड है उतना ही आप इसको ऐड कर दें, तो इंस्टेंट रिएक्शन नहीं होगी इसमें, ध्यान रखना। ये आपने ऐड कर दिया तो अब इसका कलर आना चाहिए था रेड, क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास जो कॉपर आयन है वो क्यूपरस में चेंज होगा, कॉपर सेकंड क्यूपर फर्स्ट में चेंज होगा तो रेड पीपीटी आएगा। फिलहाल कोई रेड पीपीटी नजर नहीं आ रहा है हमें, ब्लू दिख रहा है। आप इसको हीट करें, ठीक है। तो इसको हीट करने के लिए हम यहां पर बर्नर ले लेते हैं, स्पिरिट लैंप है अपने पास, और इसको चलिए और इसको हीट कर लेंगे टेस्ट ट्यूब होल्डर से होल्ड करके और थोड़ा हीट करें। तो हीट करेंगे तो थोड़ी देर बाद में आप ऑब्जर्व करेंगे इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इट विल टेक 1 to 2 minutes। देखो कलर चेंज हो रहा है इसका ब्लू कलर से, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कलर इज गेटिंग चेंज, ठीक है। पहले कैसा कलर था इसका, ब्लू था और अब धीरे धीरे रेड में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, देखिए इट हैज टर्न इनटू रेड, ठीक है, रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। तो ये किसकी प्रेजेंस को शो कर रहा है, ये एल्डिहाइड की प्रेजेंस को शो कर रहा है कि इसके अंदर एल्डिहाइड है। अगर ये रेड कलर में कन्वर्ट नहीं होता तो हम लोग मानते हैं कि इसके अंदर क्या है, वो है कीटोन, ठीक है। सो ये इसका टेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं अपन।